हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वालों में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बंपर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जो कि सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी इंजीनियर का। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, बल्क में हायरिंग होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 1190 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारे पद यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए निकाले गए हैं। सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहेगा 45,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है 4 साल का तो भी आप एलिजिबल है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। ध्यान रखिएगा कि आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर, या फिर अगर आपने बीटेक किया है तो उसमें 60% क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 900 प्लस लाइक हमने टारगेट रखा है, और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली हमको ज्वाइन कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो वहां पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अप्लाई प्रोसेस का जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो लिंक्डइन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अब लिंक्डइन की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी रहेगी वेबकॉस लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसके लोगों के अंदर भी दे रखा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री का ऐप है, और यहाँ पे आप अपनी एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ए प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करनी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल के अंदर। और आप हमको लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं, पर डे में वहां पे 10 से 15 जॉब्स अपडेट अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड डालता रहता हूं, तो आप हमको लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। मैंने आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है लिंक्डइन का। तो यहां पे बात की जाए डायरेक्टली वैकेंसी के बारे में, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वेबकॉस लिमिटेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक पार्ट है, आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ये जॉब लोकेशन जो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका राजस्थान रहेगा, तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है, और इसके अंदर ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन प्रोजेक्ट एक चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसी के रिगार्डिंग अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो आपका रहेगा पहला पद रहेगा आपका फील्ड इंजीनियर का, जिसमें आपका रहेगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ही वैकेंसी देखने को मिलेगी जो प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सब स्टेशन एक्सपर्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, फील्ड इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा सब स्टेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन एक्सपर्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, और टीम लीडर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा।
अगर आपने किसी भी कंपनी में काम कर रखा है मिनिमम 6 महीने तो आप यहां पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहां पे मांगा जाएगा क्योंकि यहां पे अगर आपने किसी भी कंपनी में 6 महीने तक काम कर रखा है किसी भी पावर प्लांट के अंदर, सोलर प्लांट के अंदर या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रखा है तो आप यहां पे एलिजिबल है। मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड रहेगा। सैलरी बहुत बड़ी है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड इंजीनियर की किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो सब स्टेशन का डिपार्टमेंट हो या फिर ट्रांसमिशन लाइन का डिपार्टमेंट हो, तो इसके अंदर अगर आपने बीबीटेक कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल है, ऑल ब्रांच एलिजिबल है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएसआईटी हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो, कोई भी ब्रांच में कर रखा है आप इन दो पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका अप्लाई का प्रोसेस रहेगा जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अप्लाई का प्रोसेस है वो डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, एचआर का ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपने यहाँ पे रिज्यूम को ईमेल करना है। अब कवर लेटर को अटैच करके ईमेल करना पड़ेगा, ये ईमेल आईडी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है। लास्ट डेट जो रहेगा यहाँ पे 6 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहेगा, तो 6 दिसंबर से पहले पहले आप यहाँ पे ईमेल जरूर कर देना। अब कवर लेटर कहाँ मिलेगा उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, कवर लेटर सिंपली आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ओपन करेंगे या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं जो कि आपका नौकरी वाला चैनल, तो आपको वहां पे हमारा चैनल दिख जाएगा जिसपे करीबन 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आप टॉप पे देखेंगे तो आपको एक सर्च का बटन दिखेगा और यहां पे आपको लिखना है कवर लेटर, और सीवी लिखेंगे तो रिज्यूम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तो आपको कवर लेटर की जरूरत है तो कवर लेटर आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको कवर लेटर यहां पे दिखेगा, उसको कॉपी करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पे अटैच करके आपको ईमेल कर देना है। मैंने बहुत बार बता रखा है कि ईमेल कैसे करना होता है, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे देख लेना कि ईमेल कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियो डाल रखी है, तो इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपका सैलरी क्या रहता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ जो कि जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने रिज्यूम को एचआर को मेल करेंगे तो एचआर के पास आपका रिज्यूम जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा। उसके बाद अगर आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होता है तो डायरेक्टली आपको एचआर ईमेल करेगा, एचआर का ईमेल आएगा, वहाँ पे पूरा मेंशन रहेगा। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। इसमें आपका इंटरव्यू यहाँ पे घर पे बैठ के रहेगा, आप अपने मोबाइल के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हैं, आप लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं, डेस्कटॉप के थ्रू दे सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा जिसमें आपका वेट हाइट मेजरमेंट होगा, उसके बाद फाइनली आपको वेबकॉस लिमिटेड के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब बात की जाए सैलरी कितना रहता है, देखिए डिप्लोमा का जो सैलरी यहाँ पे रहता है वो स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 45,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आपने बीबीटेक कर रखा है और आपके पास यहाँ पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे सैलरी जो आपका आता है 55,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है। सैलरी बढ़िया है। जॉब लोकेशन आपका राजस्थान का रहेगा जो कि मैंने आपको फिर से बता दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।